सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ओप्पो R17 Pro के बारे में। तो ओप्पो बहुत दिनों के बाद इंडिया में अपने R सीरीज में कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, अगर सही प्राइस यहाँ पर ओप्पो वाले रख देते हैं ना तो फिर कमाल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते तो इस फोन की दो हाईलाइट फीचर्स है। पहला है इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाता है, और दूसरे फीचर्स की बात करें तो हम लोग को बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। जी हाँ, ये दो इस फोन की एक हाईलाइट फीचर्स है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आजकल की तरह हर स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी हम लोग को कमाल की मिल जाएगी, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का हम लोग को प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगेन बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग पावर की, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। 10 नैनोमीटर के ऊपर यह चिपसेट बना हुआ है, तो चिपसेट आपको कमाल का इस स्मार्टफोन में मिल रहा है, और आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर कमाल की मिलने वाली है। चाहे आप हैवी गेम खेलते हैं, चाहे आप पूरा हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होगा इस स्मार्टफोन में। बात करें तो इसमें आपको 8 GB का रैम मिल रहा है, और 128 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन अच्छी बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। कलर वाइज यहाँ पर आपको 5.2 मिल रहा है, और एंड्रॉइड का 8.1 एंड्रॉइड ओरियो मिल रहा है। एटलीस्ट एंड्रॉइड पाई दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ओप्पो वाले दिया नहीं, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि इस फोन की एक हाईलाइट फीचर है इसका कैमरा। तो बैक साइड में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिल रहा है, 12 MP प्लस 20 MP, और जो तीसरा कैमरा है वो एक 3D कैमरा की तरह काम करेगा। 12 MP में आपको वेरिएबल अपर्चर मिल जाता है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस में आप F1.5 से लेकर F2.4 तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो 20 MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है उसमें आपको मिलेगा F2.6 का अपर्चर। तो कैमरा क्वालिटी हम लोग को कमाल की देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। जो लोग कैमरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनके कैमरा सेंटर का स्मार्टफोन चाहिए, तो ये स्मार्टफोन शायद उनके लिए एक फिट हो सकता है। 25 MP का हम लोग को फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ, साथ में आप 3D पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। सोनी का IMX576 सेंसर भी हमारा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ में फेस लॉक तो आपको मिल ही रहा है, और आपको मैं शुरुआत में ही बोल दिया कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाता है। डुअल 4G वोल्ट को सपोर्ट करता है, USB टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में यह स्मार्टफोन NFC भी सपोर्ट करता है। बात कर लेते हैं बैटरी को, तो हमारे को मिलेगा 3700 mAh की बैटरी, जो कि अगेन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यार ओवरऑल फोन काफ़ी धमाका है, लेकिन बस उम्मीद करते हैं कि ओप्पो इसकी प्राइजिंग 25 से 26 हज़ार रख दे, जो कि लग नहीं रहा। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन वीवो के V11 Pro को टारगेट करके लॉन्च किया जाएगा 20 से 25 हज़ार या 25-26 हज़ार में भी, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा। अब देखने वाली ये बात होती है कि ओप्पो इस फोन की प्राइसिंग क्या रखता है इंडिया में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि इस स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा 4 दिसंबर को, ये इंडिया में ऑफिशियल हो गया है, और आप 4 दिसंबर से ही इस स्मार्टफोन को प्री बुक कर सकते हैं। तो बस वेट करते हैं कि यार इस स्मार्टफोन की खाली प्राइजिंग अगर सही रख दे ओप्पो वाले, तो फिर कमाल हो जाएगा। आगे फिर 30 हज़ार रुपये जगह जाता है ना, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 30 हज़ार में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।